welcome you all on Murray Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture, we are going to continue our poem Prayer for My Daughter, which is written by the famous poet W.B. Yeats. So, जैसा कि हमने अब तक पढ़ लिया है, ये जो poem है, W.B. Yeats अपनी daughter Annie के लिए. फिर चाहते हैं कि वह Annie को कैसा बनाए. जब वो सब हमने इस poem में बताया है कि उनकी डॉक्टर एनी है वो उनके क्रश मॉड और जैसे बिल्कुल भी नहीं होती थी. ओके, तो अब तक हमने पढ़ा कि जो पॉइंट ये चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो उनकी डॉक्टर है एनी वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ना हो, उससे बहुत ज्यादा कमेंट आ जाए, लोग उसके लिए उतावले हो जाए और वो मतलब एक तरह से खुद के लिए करेक्ट चूज ना कर पाए और अपनी ब्यूटी में वो अपना सारा टाइम वेस्ट ना कर पाए. इसके लिए कोई चाहते हैं जो एनी है वो ब्यूटीफुल तो हो पर एक्सट्रीम ब्यूटीफुल ना हो, कि उसे बहुत ज्यादा ईगो हो जाए, वो डिसिप्लिन ना सीख पाए. कोई भी यहाँ चाहते हैं कि उनकी डॉक्टर एनी डिसिप्लिन सीखे, काइंडनेस उसके हर्ट में होनी चाहिए और ब्यूटीफुल भी होनी चाहिए, पर ब्यूटी के साथ साथ उसमें जो घमंड है, ईगो है, ईगो वाली ब्यूटी उसमें नहीं आनी चाहिए. ओके, तो कल जो हमने पढ़ा था उसमें पॉइंट ने अपनी डॉक्टर को लिनेट बर्ड से कंपेयर किया था कि वो लिनेट बर्ड की तरह होनी चाहिए जो एक ट्री पे बैठ के गाना को गाए, यानी उसकी काइंडनेस को स्प्रेड हो, लेकिन वो खुद देखती है ना जैसे लिनेट बर्ड, मैंने आपको बताया था, वो ट्री पे बैठ के जब गाना गाती है तो वो दिखती नहीं है. जब वो गाना गाए तो दिखती नहीं है, वो बस गाना ही गाती है, तो वो उस लिनेट बर्ड की तरह बने जो दिखे नहीं और अपनी जो काइंडनेस है वो हर जगह वो स्प्रेड करती चली जाए. तो अब तक हमने इसकी जो सिक्स स्टेंजा है वो कम्प्लीट कर लिए हैं. आज हम इस पॉइंट का सेवन स्टेंजा और उसके आगे भी कम्प्लीट कर लेंगे और ये हमारा पार्ट सिक्स है इस पर्टिकुलर पॉइंट का. सो वो पार्ट को पॉइंट अब तक अच्छे से समझ में आ गई होगी. आज हम नेक्स्ट लाइन जिसकी कवर करते हैं, माय माइंड बिकॉज रिमाइंड्स दैट आई हैव लव्ड. अब पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं जो मेरा ये माइंड है बिकॉज रिमाइंड्स दैट आई हैव लव्ड, वो उन्हीं माइंड्स की जैसा है जैसा मैं चाहता हूँ या जिससे जैसा मैं बनाना चाहता हूँ. द शॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव लव्ड, यानी एक ब्यूटी जो मैंने अपनी देखी है, यानी मैंने जिसको ऑब्जर्व किया है. यहाँ पे मॉड वन की बात कर रहे हैं पॉइंट, कि द शॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव लव्ड prosper but little has dried up of late, yet knows that to be jogged with hate may well be of all evil chances chief if there's no hatred in a mind. अब यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि जो मेरी बेटी है यानी जो मेरी डॉटर है prosper but little has dried up of late, यानी कि अगर इसे बनाना है उसमें बिल्कुल भी जैसे ईगो है, नफरत है, वो बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं आनी चाहिए. यदि उससे ऐसी बनाया जाए जिससे कोई नफरत ना करे, उससे कोई हेट ना करे, मे वेल बी ऑफ ऑल इवन चांसेस, यानी इसके अंदर जो बुराई है वो बिल्कुल ना हो, बिल्कुल भी ना होनी चाहिए. इफ देयर इज नो हैटर्ड इन अ माइंड, यानी कोई भी उससे नफरत ना करे, किसी के भी दिमाग में उसके लिए नफरत के भाव ना हो. असल्ट एंड दैट काइंड ऑफ विंड कैन नेवर टियर द लिनेट फ्रॉम द ट्री, यानी कि तेज हवा और तूफान उस लिनेट बर्ड को जैसे उस ट्री से नहीं उड़ाते हैं, वो अपना गाना गाती चली जाती है, वैसे ही मेरी जो डॉटर है वो अपना कर्म जो है, अपनी जो काइंडनेस है उसको लेके चलती रहे, उसे किसी भी तरह का ईगो वाला स्टॉक उड़ा नहीं पाए. एंड इंटेलेक्चुअल हैटर्ड इज द वर्स्ट, सो लेट और थिंक ओपिनियंस आर एब्सर्ड. Have I not seen the loveliest human born out of the mouth of plenty's horn? Because of her opinionated mind, watered that horn and every good by quite natural understood for an old billow full of envy. Okay, so यहाँ पे point वही बात वापस बोल रहे हैं, जो तेज हवा और तूफान है वो उसकी काइंडनेस को एक तरह से उड़ा नहीं पाए, जो इनर ब्यूटी है वो डेवलप होनी जरूरी है, तो उसे वो कहीं उड़ा ना पाए. सो लेट हर थिंक ऑपिनियंस इज प्योर, हैव आई नॉट सीन द लवलीस्ट ह्यूमन बॉर्न, यानी कि वो सबसे लवलीस्ट ह्यूमन बने
ऐसे ही उसको वो बनाना चाहते हैं, तो ऐसे ही वो उसके लिए प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लैंडीज हॉर्न के, यानी वो आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लैंडीज हॉर्न के बिकॉज ऑफ हर ओपिनेटेड माइंड, यानी कि उसकी जो सराउंडिंग है, उसकी जो सराउंडिंग है वो कैसे होनी चाहिए, ओपिनेटेड माइंड वाली होनी चाहिए, बार्टर डेकॉन एंड एवरीथिंग, यानी हर जो अच्छाई है वो उसके साथ रहे, उसमें किसी भी तरह की इविल जो है वो ना आए, बाई क्वाइट नेचुरल अंडरस्टूड, यानी वो सबको समझे, फॉर एंड ऑल ब्लर्स फुल ऑफ एंग्री, ठीक है ना, वो मतलब एंग्री मतलब हर तरह का वो नेचर समझे, ऐसे भी होने चाहिए, उसमें किसी भी तरह का ईगो नहीं होना चाहिए, तो ऐसे वो अपनी डॉटर को बनने लेना चाहते हैं। सो अब तक हमने इसके ऑलमोस्ट 64 लाइन्स कवर कर ली है, कल के वीडियो में हम इस पॉइंट को कंप्लीट कर लेंगे, होप आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ रही होगी अब तक, क्योंकि आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो किसी से शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करने के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हेल्थ।